मुरैना जिले की तहसील पोरसा के पास पचपेड़ा पर अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक दल को उस समय लेने के देने पड़ गए जब उक्त मकान में रहने वाली दलित महिला राजा बेटी पास में ही जल रही आग की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि पचपेड़ा के पास नागाजी मंदिर पोरसा में लगी हुई कुछ जमीन है जिसमें राम अवतार सखवार और उसका परिवार वर्षों से निवास कर रहा है। पोरसा तहसीलदार को नागाजी मंदिर के महंत ने जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन का अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मकान मालिक ने प्रशासनिक अमले से अतिक्रमण हटाने की बात कही, लेकिन प्रशासन ने यह बात नहीं मानी और हिटेची की सहायता से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। उसी दौरान मकान के पास बने कूप और झोपड़ी में किसी ने आग लगा दी। देखते ही देखते राम अवतार और उसकी पत्नी राजा बेटी अचानक झोपड़ी की आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद मौजूद लोगों ने तहसीलदार सहित पुलिस कर्मियों को घेर लिया और अतिक्रमण हटाने गई जेसीबी में आग लगा दी। जैसे तैसे राजा बेटी को मौजूदा लोगों ने आग से निकाला, लेकिन तब तक बुरी तरह जल चुकी थी। हालात बेकाबू होते देख मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास, पुलिस अधीक्षक अमीश यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद भीड़ में फंसी तहसीलदार श्रीमती सक्सेना को प्रशासन ने निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। इस दौरान भीड़ प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी करती रही। बीच में कई बार उत्तेजना की स्थिति भी बनी। आग में गंभीर रूप से जली हुई राजा बेटी के जल जाने के कारण इलाज के लिए मुरैना रेफर किया गया। मौके पर मौजूद भीड़ को शांत करते हुए कलेक्टर प्रियंका दास ने पीड़ित परिवार को 50,000 का चेक, एक आवास देने की घोषणा की है। इसके साथ ही पीड़िता का इलाज भी मुफ्त कराने की बात कही है। कलेक्टर पीड़ित को भी अपने साथ मुरैना सिविल अस्पताल ले गई, जहां उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है। उधर पीड़िता राजा बेटी का कहना था कि उसे आग में पुलिस और नागाजी धाम के महंत ने धकेल दिया और इन्हीं ने कूप और जेसीबी में आग लगाई थी। मुरैना से संवाददाता की रिपोर्ट। हम पे अति बहुत ही साल से हमें भाई खेत में गुजारा है रहा है। हम तो इतने गरीब है, हमारी तो झोपड़ी रही थी, इसी में इनने केस कर दिया था। जैसी भी ले आई थी मैडम और जग्गा वाला आ जाता और 3-4 पुलिस वाले आई थी, आँच लगा दी थी और मकान में पंट दिया था। मैयो बच्ची को उठाने गई थी, मैयो साथ में डगेल ली, बच्ची भी जल गई, जी भी जल गई, एक लड़की भी जल गई, 2-3 साल की थी छोटी, वही में रह गई। उठाने के लिए गई, मैडम ने धक्का दे दिया और जग्गा था और हुआ था सरपंच, मैडम थी सरपंच तो बाबा थे, वो पूरा मकान बंट दिया। उसमें जो एक महिला थी वो अपने घर को बचाने के चक्कर में जो है खुद पे आग उन्होंने लगा दी है। महिला अभी अस्पताल में एडमिट है। अच्छी बात ये है कि वो अभी स्टेबल है, हालांकि काफ़ी बुरी तरह से वो जख्मी हो गई है, लेकिन उनको बेस्ट से बेस्ट इलाज देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसमें पूरी तरीके से जुटा हुआ है, हमारे सारे डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं ताकि उस महिला की जान हम बचा सकें। और इसके अलावा तात्कालिक सहायता वहाँ पर हम लोगों ने रेड क्रॉस से इनके जो हस्बैंड हैं राम अवतार जी उनको दिया गया है, 50,000 रुपये की सहायता राशि दी गई। सर कितना पुराना अतिक्रमण था और अतिक्रमण के लिए विवाद का कारण क्यों था? अतिक्रमण पुराना ही था, ये माफ़ी की ज़मीन है, रामचंद्र की मंदिर के नाम से ज़मीन है और इसमें लगातार शिकायतें होती गई हैं। 2017 में भी एक बार अटेम्प्ट किया गया था अतिक्रमण हटाने के लिए, पुनः जब नए सिरे से फिर से शिकायतें आने लग गई तो फिर राजस्व के अमले ने दोबारा से नोटिस जारी किया, उसमें बेदखली आदेश पहले से ही पारित था। अतिक्रमण तो वो था और वो गलत था, वो बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अब यही है कि क्योंकि वो गरीब थे और अपने मकान को बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है जो कि नहीं होना चाहिए था, यही मसला है। परिजनों को आरोप है कि एक बेटी और महिला को कैसे घर में धक्का मारा? नहीं, बिल्कुल गलत बेबुनियाद है। मैं खुद ही जो इनके हस्बैंड हैं उनसे मिली, गांव मौके पे स्पॉट पे गए थे, गांव वालों से भी बात हुई, बाकी लोगों से भी बात हुई। एक कोई बाबा है उनका नाम ज़रूर आ रहा था, मौके पे तहसीलदार तो थी, तहसीलदार को तो रहना ही पड़ेगा। और ये चीज़ तो आप सबको समझना पड़ेगा कि कोई भी अधिकारी ऐसा काम क्यों करेगा, किसी का कोई पर्सनल दुश्मनी तो है ही नहीं। आए दिन राजस्व अमला बहुत सारे अतिक्रमण हटाते हैं, तो ऐसा कोई इशू ही नहीं है, वो मतलब परिस्थिति जनित तो मतलब इशू था और बस उनको यही लगा होगा कि शायद ये करने से हमारा घर बच जाए, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का इंसिडेंट